हेलो एवरीवन दिस इज़ मी जैनब हसन इन इंग्लिश क्लास और आज के लेक्चर में आ, हम आपका जो प्रोज एसेज हैं जो कि टोटल दस हैं इनमें से पहले लेसन को स्टार्ट करेंगे अब आपका जो पहला लेसन है इसका नाम है द डाइंग सन द डाइंग सन मींस डूबता हुआ सूरज मरता हुआ सूरज फना होता हुआ सूरज बेनूर होता हुआ सूरज अलॉट ऑफ थिंग्स वी कैन से अबाउट द टॉपिक ओके okay, इसको लिखा है सर जेम्स जेंस ने अब सर जेम्स जेंस ने इस पर क्या बात की है क्या परसेप्शंस दी हैं क्या फैक्ट्स बताए हैं बेसिकली ये जो ऐसे हैं ना द सन ये एक एक्सप्लोरेटरी ऐसे एक्सप्लोरेटरी ऐसे जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन पे मबनी होते, है, होते, है, होते हैं एक्सप्लोन एक्सप्लोरेशन पे होते हैं फैक्ट्स फाइंडिंग्स होती हैं ये ओके okay, तो सर जेम्स जेंस ने इस ऐसे में क्या बात की है अब देखते हैं मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है इस ऐसे का वो इसको हम थीम भी कह सकते हैं यूनिवर्स है ओके okay? यूनिवर्स uh, hmm. में जब बात आती है ना तो सर जेम्स जेन्स एक क्वेश्चन रेज कर देते हैं वो कहते हैं हाउ इट ऑल बिगेन मीन्स व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ओके okay? कि ये जो कायनात है ये कैसे वजूद में आई तो इस मजमून में सर जेम्स जेम्स ने कायनात की तख्लीक का जो नजरिया है ना उसका एक जुजवी तज़िया पेश किया है ओके okay? सो so इसको डिस्कस किया गया है फिर हम थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे इस ऐसे में बेसिकली तो बिग बैंग थ्योरी डायरेक्ट वे में इस ऐसे में इस्तेमाल नहीं है लेकिन जो सर जेम्स जींस ने जो व्यूज दिए हैं ना वो आ, बिग बैंग थ्योरी को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं देन हम यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स को डिस्कस करेंगे ओके okay, जब हम इस पॉइंट पे आते हैं ना तो मुसनफ के मुताबिक ये जो कायनात है वो इस कदर वसी है इस कदर वसी वरीज है कि इसके अंदर खरबों सितारे मौजूद हैं ये सर जेम्स जीन्स के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं ओके okay? तो ज्यादातर वो कहता है कि ज्यादातर सितारे इस कदर बड़े हैं कि इनके अंदर लाखों करोड़ों जमीनें समाई जा सकती हैं और अगर ये लाखों करोड़ों जमीनें इन सितारों में डाल दी जाए तो फिर भी बहुत सी जगह बच जाती है सो so, जब हम इसको कंक्लूड करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर सर जेम्स जीन्स ने साइज ऑफ द स्टार्स की बात की है जब साइज ऑफ द स्टार्स की बात की है ना तो इसको हम यू एक्सप्लेन कर देते हैं तो सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सितारा है और ये जमीन है तो ये स्टार है यूनिवर्स में और ये जो है ना हमारी अर्थ है तो आप कंपैरिज़न कर लें अर्थ का साइज कितना है और सितारे का साइज कितना है तो यहां पर सर जेम्स जेन्स ने स्टार्स के साइज को डिस्कस किया है फिर नंबर ऑफ स्टार्स की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्टार्स की बात करते हैं तो सर जेम्स जेन्स कहते हैं कि ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड वो कहते हैं कि दुनिया में सितारों की कुल तादाद यानी के सॉरी कायनात में सितारों की कुल तादाद दुनिया भर के साहिल समंदरों पर पड़ी हुई रेत के जरत के बराबर हो सकती है ये यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ स्टार्स की बात की है ओके फिर सर जेम्स जींस ने डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स की बात की है जब डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स की बात आती है तो सर जेम्स जीन्स ने यहाँ पर भी एक बड़ी अमेजिंग प्लस शॉकिंग किस्म की हमें फैक्ट बताया है वो ये कहते हैं कि बज़ाहिर तो आसमान पर ये जो सितारे हैं ना एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब मालूम होते हैं मगर हकीकत में इन सितारों के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर उन्होंने एक बताया है कि इन सितारों के दरमियान फासला इतना ज्यादा है कि ये सितारे कभी भी जो से ना खला में घूमते फिरते एक दूसरे के करीब नहीं आते ओके तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो दी स्टार्स ट्रेवल्स मिलियंस ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम वन एन अदर ओके अब जैसे कि शिप्स सफर करते हैं जैसे कि शिप्स होते हैं इन एन एमटी ओशन यानी कि आप एक ओशन ले लें ठीक है एक खाली समंदर इमेजिन करें ओके okay? अब वहां पर एक शिप है ट्रैवल कर रहा है और एक शिप का फासला दूसरे शिप से तकरीबन जो है ना मिलियन माइल्स का है यानी के अब अगर एक पूरा समंदर है ना वो समंदर यूनिवर्स है ओके ओशन को आप यूनिवर्स समझे शिप को आप जो से ना स्टार समझे ओके? अब इस एक ओशन में बहुत ज्यादा शिप्स हैं और दो शिप्स जो है ना उनका जो फासला है जो दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट हैं उनमें मिलियन माइल्स का फासला है तो सो so, तो यहाँ पर बात की है कि, आ, तो ये जो सितारे हैं ना इनका फासला काफी ज्यादा है एक दूसरे से अब हम आगे डिस्कस करते हैं यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स सर जेम्स जीन्स के मुताबिक जो यूनिवर्स है वो कैसी है सबसे पहले हम सर जेम्स जीन्स का इंट्रो ले लेते हैं सर जेम्स जीन्स वाज एन इंग्लिश फिजिस्ट एस्ट्रॉनमर एंड मैथमेटिशियन ही एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इनकी जो नोटेबल बुक्स हैं वो है द स्टार्स इन देयर कोर्सेज द यूनिवर्स अराउंड अस थ्रू स्पेस एंड टाइम द न्यू बैकग्राउंड ऑफ साइंस एंड द लास्ट उनकी किताब है द मिस्टूरियस यूनिवर्स ये नाइनटीन थर्टी में फर्स्ट पब्लिश हुई थी पहली दफा पब्लिश की गई थी और ये जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं द गाइंग सन इसी किताब का पहला ऐसे है ओके और इस आपकी जो टेक्स्ट बुक है जिसमें यह ऐसे लिखा हुआ है उसमें द गाइंग सन सिंपल अल्फाज में पब्लिश किया गया है सिंपल वर्जन है उस ऐसे का तो सर जेम्स जीन्स के मुताबिक यूनिवर्स क्या है वो यूनिवर्स के बारे में उनका एक कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो कहते हैं द यूनिवर्स लुक्स मोर एंड मोर लाइक ए ग्रेट थाट रादर देन ए ग्रेट मशीन यानी कि जो यूनिवर्स है ना ग्रेट थाट की तरह एक्सपेंड होती जाती है यानी कि अगर आप इसको सर जेम्स जीन्स की इस बात को कंक्लूड करें तो वो ये कहते हैं जो यूनिवर्स में जो सब्सटेंस है ना बाय द टाइम एक्सपेंड हो रहा है ये एक जगह स्टेगनेंट नहीं है रुक नहीं गया यानी कि यूनिवर्स जो है ना एक्सपेंड होती जा रही है ग्रो होती जा रही है बड़ी से बड़ी होती जा रही है ये सर जेम्स जीन्स ने कहा था ओके अब हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे थ्रू क्वेश्चन आंसर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमने स्टार्स की बात की थी तो सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि जो स्टार्स है ना साइज ऑफ द स्टार्स की बात जब हमने की थी वो कहते हैं कि ये जो सितारे हैं बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि एक दूसरे के बहुत करीब हैं लेकिन हकीकत में इन सितारों के दरमियान फासला इस कदर ज्यादा है कि ये सितारे कभी भी हला में घूमते हुए एक दूसरे के करीब नहीं आते तो अब इसी बात का उन्होंने क्वेश्चन बना दिया हाउ इज डैट इज स्टार सेल्डम सेल्डम का मतलब होता है सॉरी okay, सॉरी okay, no, सेल्डम yes. का मतलब क्या होता है सेल्डम का मतलब ऑफ एंड ऑन कभी कभार सम्स ओके कहते हैं कि क्या है कि सितारे जो हैं, कभी कभार ही दूसरे सितारे के नजदीक आते हैं और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुजरात बोर्ड में भी आया है फैसला बोर्ड મેબી આયા હૈ 2010 મે લાહોર બોર્ડ મે ભી આયા હૈ રાવલ પિંડી બોર્ડ મે ભી કuesstion કિયા ગયા હે આપસે ઠીક હે ઓર ઇસકે બાદ ઇસી કuesstion કો બોલ્ડ કરકે પૂછા ગયા હે વાય ડુ સ્ટાર્સ નોટ કોલાઈડ કોલાઈડ કા મતલબ હોતા હે ટકરાના ઠીક હે વિથ અધર સ્ટાર્સ ક્યુ ઇનકા આપસ મે ટકરાવ નહીં હોતા તો યહાં પર Uh, इसकी इसका आंसर क्या है आंसर ये है द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट इन इन सम सम स्टार्स वेंडर अलोन एंड ग्रुप्स अब वो कहता है कि ये ये बेसिकली सर जेम्स जीन्स की तहकीक है ओके okay? तो सर जेम्स जींस की तहकीक के मुताबिक ये जो यूनिवर्स है बहुत ज्यादा बड़ी है जिसमें जो सितारे हैं वेंडरिंग करते हैं वेंडर का मतलब होता है गर्दिश करना और गर्दी करना ठीक है अकेले घूमते हैं या तो ग्रुप्स में घूमते हैं द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टार्स इज वेरी ग्रेट और जो दो सितारों के दरमियान डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा होता है यानी कि वो शिप्स और ओशन वाली बात ले लें कि जो आप यूनिवर्स को एक ओशन कंसिडर कर लें उस स्टार्स को शिप्स कर लें और जो दो शिप्स हैं ना उनके जो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हैं उनके दरमियान जो फासला होगा ना वो मिलियन माइल्स का होगा तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा फैसला है और यहाँ से हमें साइज ऑफ यूनिवर्स का भी पता चल जाता है अब वो कहता है ए स्टार कैन भी मिलियन

क्या हुआ था सर जेम्स जीन्स के मुताबिक अब यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये जो स्पेस है ये जो यूनिवर्स है ये इसमें ज़मीन इसमें जो ज़िंदगी है उसका वजूद कैसे हो गया अर्थ कैसे बन गई प्लैनेट्स कैसे बन गए तो जब ये बात हुई तो यहाँ पर भी सर जेम्स जीन्स ने एक कह सकते हैं बयान किया है तो वो कहते हैं कि क्या हुआ अब उसने, अब उसने क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर अभी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर जेम्स जीन्स के मुताबिक क्या हुआ था जब एक क्या हुआ था जब एक आवारा सितारा आवारा गर्दी करते हुए सूरज के करीब आ गया क्या हुआ अब ये क्वेश्चन भी आपका लाहौर बोर्ड में आया है मीरपुर बोर्ड में भी आया है रावलपिंडी बोर्ड में भी आया है डेरा गाजी बोर्ड में भी आया है तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को और यहां पर वट वॉज द रिजल्ट वेन स्टार कैम नियर टू द सन अब वो कहते हैं जब एक सितारा सूरज के करीब आया तो क्या हुआ ठीक है क्या नतीजा निकला क्या असर हुआ उसका ये फैसला बोर्ड के पेपर में भी, में भी आया आपका पेपर क्वेश्चन सॉरी अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स ए वैंडरिंग स्टार वैंडरिंग थ्रू स्पेस अब सर जेम्स जीन्स के मुताबिक एक अवारा सितारा जो है ना खला में अवारा गर्दी करता हुआ केम नियर द सन सूरज के करीब आ गया द पुल ऑफ द स्टार रेस टाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन अब वो कहता है जो सितारा है उसकी जो आ, उसकी जो टाइड्स हैं उन्होंने क्या किया अब वो ये कहता है कि जो आ, जो घूमता हुआ जो घूमता फिरता सितारा था खला में गर्दिश करते हुए जब सूरज के करीब आया तो सितारे की कशिश ने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की टाइड्स का मतलब क्या होता है लहरें ऑन द सर्फेस ऑफ द सन रेज टाइट्स लहरें पैदा की द पुल ऑफ द स्टार यानी कि पुल का मतलब यहाँ पर कशिश होगा सितारे में जो कशिश थी जो खिंचाव था उसने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की दीज टाइड्स वर हायर एंड ग्रेटर दैन दोज प्रोड्यूस्ड बाय द सन और द मून ऑन द अर्थ जैसे कि आपको पता है ये जो मदो जज़र जो सूरज और चांद का मदो जज़र जमीन पर होता है वो कहता है जो ज़मीन पर जो लहरें पैदा होती हैं ना आ, मदो जज़र पैदा होता है अब ये जो हला में हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा हायर था और काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर था द स्टार फॉर्मड ए ह्यूज टाइडल माउंटेन ऑन द सर्फेस ऑफ द सन अब वो कहता है कि ये जो लहरें थी ना उन लहरों से बहुत ज्यादा ऊंची थी और बहुत ज्यादा बड़ी थी जो सूरज और चांद जो है जमीन पर पैदा करते हैं अब वो कहते हैं सितारे ने सूरज की सतह पर क्या बना दिया एक बहुत बड़ा माउंटेन बना दिया एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया अब यहां पर आपसे जो है ना ये क्वेश्चन का आपने आंसर देना है सिर्फ यहाँ तक ही देना है आगे बात नहीं करनी आपसे पूछा यहाँ तक ही गया ओके okay, फिर वो कहता है व्हाट हैपन व्हेन द स्टार कैम क्लोज द सन अब इसी के आगे आपने डिटेल बतानी है कि क्या हुआ था जब सितारा सूरज के नजदीक आ गया अब आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैसला बोर्ड फैसलाबाद बोर्ड में भी आया है गुजरात बोर्ड में भी आया है मीरपुर बोर्ड में भी आया है रावलपिंडी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है मुल्तान बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहावलपुर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो बेसिकली आपका जो पहला चैप्टर है ना द डाइंग सन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल में आपके एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं जरूर पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से ओके अब इसका आंसर क्या होगा वेन द विंग स्टार कैम नियर द सन जब जो आवारा या गर्दिश करता हुआ सितारा है सूरज के करीब आया इट रेज टाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन उसने सूरज की सतह पर टाइड्स लहरें पैदा की वेन द वेंडरिंग स्टार कैम नियर एंड नियरर जब गर्दिश करता हुआ सितारा करीब से करीब तर आता गया द माउंटेन इट हैड फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ द सन रोज हायर एंड हायर और जो माउंटेन था जो सितारे जो सूरज की सतह पर सितारे की वजह से बना हुआ था वो ऊंचे से ऊंचा होता गया बिफोर द स्टार मूव अवे फ्रॉम द सन तो फिर क्या हुआ जब सितारा पीछे को हुआ तो होती है स्पेस में तो उससे क्या हुआ ग्रेविटी पैदा हुई खिंचाव पैदा हुआ जिससे क्या हुआ इट टाइडल माउंटेन ऑफ द सरफेस ऑफ द सन अब वो कहता है कि सितारे के परे हटने से पहले ना यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका था लेकिन अब वो कहता है कि आगे हम बात करेंगे वैसे मैं आपको बता देती हूँ अभी ही जब सितारा पीछे हुआ ना तो वो ग्राविटी थी उसमें खिंचाव पैदा हुआ तो वो जो माउंटेन था ना वो उस पर एक्सप्लोयन हो गया धमाका हो गया और उसके जो जर्रे थे ना वो स्पेस में बिखर गए और वो जो जर्रे थे ना वो सूरज के गेट सर्कल में गर्दिश कर वो उसका सूरज का चक्कर लगाने लगे जिसको आज हम सोलर सिस्टम कहते हैं और वो जो पीसीज थे वो प्लैनेट्स बन गए और उन्हीं में से एक पीसीज आहिस्ता आस्ता कूल डाउन होते गए और एक ऐसा ज़र्रा था प्लैनेट था जिसमें जो है ना आबो हवा थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल था वहाँ पर पानी बना आ, और फिर वहाँ पर जिंदगी का आगाज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता जो जिंदगी है जो ऑर्गेनिज़म कि शक्कल में एक एक सादा सा खुलिया था है शाम था और रास्ता आहिस्ता वहां पर जिंदगी कॉम्प्लेक्स होती गई और फिर ये पहाड़ बने दरख्त बने नहरें बनी जानवर बने और फिर ये इंसान बने ठीक है तो इस तरह फिर जिंदगी का आगाज हुआ फिर आगे यहाँ पर बात करता है चले उसको आगे हम अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे ये पूरे सर जेम्स जेम्स की तकलीक वो तहकीक है तो अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर आगे उसने डिस्कस किया वाई इज देर नो लाइफ ऑन द स्टार्स अब वो यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर रहा है कि जो सितारे हैं वहां पर जिंदगी क्यों नहीं है यानी कि अगर जमीन है एक प्लानट है ठीक है आगे, आगे आपसे ये भी पूछा जाएगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लानट्स ओके okay, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ये आपने इस चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए ठीक है तो ये बड़ा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऐसे है इसमें एक इंफॉर्मेशन है फैक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन की गई है यूनिवर्स पर एक्सप्लोर किया गया है यूनिवर्स का तो आ, हमें इस ये आंसर्स पता होने चाहिए हमारे अंदर एक क्रोसिटी डिवेलप होनी चाहिए कि जो कायनात है कैसे वजूद में आई साइंस की नजर से कैसे वजूद में आई बेसिकली हम एज ए मुसलमान एज ए मुस्लिम हम तो यही यकीन करते हैं ये जो कायनात है अल्लाह ताला ने बनाई है और जो जिंदगी का वजूद है वो हजरत आदम और अम्मा हव्वा से स्टार्ट हुआ था तो लेकिन साइंस इसको किस तरह जस्टिफाई करने की कोशिश करती है इसको हम पढ़ रहे हैं ऑल दो हम इस पर बिलीव नहीं करते लेकिन पढ़ रहे हैं ओके अब वो यहां पर कह रहा है वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स के जो सितारे हैं वहां पर जिंदगी क्यों नहीं है लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है उल्तान बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है बहावलपुर बोर्ड में आया है डीजी बोर्ड में आया है गुजरात बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है और मीरपुर में आया है फैसलाबाद बोर्ड में आया है तो ये देख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इज़ देर नो लाइफ ऑन द स्टार्स देर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स बिकॉज द स्टार्स आर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट अब वो यहाँ पर कर कहता है कि जो सितारों पर जिंदगी इस वजह से नहीं है क्योंकि सितारे बहुत गर्म हैं बेसिकली अगर सितारों को हम एक्सप्लेन करते हैं ना दे आर जस्ट लाइक फायर बॉल्स वो आग की बॉल्स हैं वहाँ पर जिंदगी मुमकिन नहीं है तो आगे दे हम देखेंगे स्टार्स आर इन फैक्ट बॉल्स ऑफ फायर स्कैटर्ड थ्रू स्पेस अब वो कहते हैं इनफैक्ट जो सितारे हैं ना वो आग की बॉल्स हैं ठीक है जो पूरी स्पेस में खला में फैली हुई हैं दे हैव अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड डिग्रीज अब इनका जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है या तो कुछ सितारे बहुत ठंडे हैं या तो कुछ सितारे शदीद गर्म हैं वहां पर जिंदगी या तो जम जाएगी या पिघल जाएगी मतलब एग्जिस्ट नहीं रह सकते एट सच टेम्परेचर ऑल आर ऑल सॉलिड मेल्स एंड ऑल लिक्विड अब वो कहते हैं ऐसा टेम्परेचर है कि जो सॉलिड चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी और जो लिक्विड है वो तो बॉइल हो जाएगी अब वो कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ वहां पर मुमकिन होती है जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है मॉडरेट का मतलब नॉर्मल एवरेज होता है यानी कि एट विच थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट जहां पर जो चीज़ें हैं ना वो अपनी असली हालत में लिक्विड स्टेट में रह सकती हैं दैट इज़ वाइड देर इज़ नो लाइफ ऑन स्टार्स और यही वजह है कि जो सितारे हैं वहां पर जिंदगी मुमकिन नहीं है सो so, आज हमने इस वीडियो में यह वीडियो का पार्ट वन है इस चैप्टर का आज हमने तकरीबन फोर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आगे क्वेश्चंस हैं वो भी फोर उनमें हम बेसिकली आ, मैं आपको बता देती हूं हाँ उनमें हमने प्लैनेट्स को डिस्कस करना है पार्ट टू की वीडियो में अर्थ को स्टार्ट एक्सप्लेन करना है और ह्यूमन बींग्स को ठीक है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं अर्थ किस तरह वजूद में आई और अर्थ पे जो जिंदगी है उसका कैसे वजूद वो क्या किस तरह वजूद में आई और जो स्पेस में टेम्परेचर बेल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज़ बाय बाय